दोस्तों आज हम बात करेंगे पांच स्किल्स की जो 2022 में सीखना बहुत ही स्मार्ट चॉइस होगी अगर आप अभी और फ्यूचर में एक हाई इनकम अर्न करना चाहते हैं। आजकल काफी सारे लर्निंग मेथड्स और कोर्सेज आ गए हैं इंटरनेट पर हर फील्ड से रिलेटेड, बट प्रॉब्लम यह है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या सीखें। कई बार हम इसी वजह से गलत स्किल सेट डेवलप करने में लग जाते हैं। उसके बाद भी आपको जॉब या वर्क तो मिल जाएगा पर ग्रोथ बहुत लिमिटेड होगी। फ्रीलांसिंग स्किल्स आजकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सबको अपनी तरफ खींच रही है, पर इनको चूज करने के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। आपको ना सिर्फ ऐसी स्किल्स सीखनी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ये भी देखना है कि फ्यूचर में उस स्किल से आपको कैसे फायदा हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे इन पांच स्किल्स को जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट है और उनको सीखना क्यों जरूरी है। ऑल्सो इन फील्ड्स के बारे में मिसकंसेप्शन या पॉपुलर डाउट्स भी मैंने क्लियर किए हैं, तो इस सारी हेल्पफुल एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर रहना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को अपस्किल करने के लिए टॉप कोर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब क्रैक करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है बहुत सारे कोर्सेज और वर्कशॉप। वर्कशॉप्स की बात करें तो रिसेंटली अनअकैडमी ने बहुत सारी वर्कशॉप कराई थी जिसमें सबको बहुत कुछ सीखने को और सर्टिफिकेट भी मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आप अपने रेज्यूमे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी शेयर करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस कमिंग वीकेंड भी अनअकैडमी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए लेकर आया है कई सारी सर्टिफाइड वर्कशॉप्स, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए IoT इन ऑटोमोबाइल पर वर्कशॉप होगा। इसमें आप सीखोगे कि किस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेंसर्स एक्चुएटर्स IoT यूज किया जाता है, किस तरह से AI यूज करी जा रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री 4.0 में जी रहे हैं। फ्यूचर स्मार्ट फैक्ट्रीज ऑटोमेशन IoT एंड AI का ही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए करवाया जा रहा है कॉन्क्लेव 5.0। इसमें आपको दिखाया जाएगा IoT इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। IoT एक ऐसा टॉपिक है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो लोग ये स्किल्स अभी इम्प्रूव कर लेंगे वो हमेशा भीड़ से आगे रहेंगे। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने का। डिस्क्रिप्शन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सबका अलग अलग लिंक दिया हुआ है। गो क्लिक एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। कोडिंग दोस्तों ये फिलहाल सबसे पॉपुलर स्किल्स में से एक है। अगर आप इसमें सारे नेसेसरी स्किल्स लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो बाकी कोडर्स की तरह मंथली लैक्स तक कमा सकते हो। आप अपनी चॉइस के हिसाब का करियर बना पाओगे। फुल टाइम पार्ट टाइम फ्रीलांस सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज कोडिंग की फील्ड में भरपूर है। एक्सपर्ट कोडर्स की डिमांड आने वाले सालों में बहुत बढ़ने वाली है। सोचो 5th-6th क्लास के बच्चे भी कोडिंग बेसिक सीखना आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कोडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी हर एक इंडस्ट्री में। और इन सब तरह के वर्क में इनकम काफी हाई है। मैं जानता हूँ कोडिंग का नाम सुनते ही बहुत कंफ्यूजन आता है दिमाग में, कैसे शुरू करें और क्या सीखें क्या नहीं। और ऑब्वियसली ऐसा होगा क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। मैक्सिमम लर्नर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते और स्टार्टिंग स्टेजेस में ही क्विट कर देते हैं। आपको ये फेस ना करना पड़े इसलिए चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ और समझते हैं कि हमें क्या करना है। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो और इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या कॉलेज स्टूडेंट हो जो अपने आप को जॉब के लिए रेडी करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी एक टेक्निकल फील्ड में हो और कोडिंग सीखकर ग्रोथ चाहते हो, सभी के लिए कोडिंग में अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स में कोडिंग को अप्रोच कर पाओगे। देखो, सीखने के लिए तो हजारों चीजें हैं, पर सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमें किस टाइप की कोडिंग करनी है। पहले गोल सेट करेंगे, तो पहले देखना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। गेम, वेबसाइट, एंड्रॉइड या iOS ऐप, डेटा साइंस एक्सेट्रा, इनमें से आपको आपका इंटरेस्ट समझना है। ये पता चलने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके काम की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। आपको जिस प्रोग्रामिंग फील्ड में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैं कुछ लैंग्वेजेस बताऊंगा। आपको पहले एक ही अच्छे से सीखनी है फुल मेहनत से। शुरू के 4 से 6 महीने इसमें अगर आप फुल एफर्ट डाल दो तो दूसरी कोई भी लैंग्वेज उसके बाद 15 डेज में सीख सकते हो। अगर आप फन या एक्सप्लोरिंग के लिए कुछ सीखना चाहते हो तो पाइथन या जावा सीख सकते हो। इस पर्पस के लिए यूट्यूब वीडियोस काफी हैं जो 1.5 to 2 आवर्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देंगे।
अब अगर iOS यानी Apple की एप्स बनानी हो तो Swift बढ़िया लैंग्वेज है। Android के लिए Kotlin या Java सीख सकते हो। अगर आप प्लेसमेंट्स के हिसाब से तैयार होना चाहते हो तो Java या C++ में से किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख लो। ये आपके रेज्यूमे में काफी अच्छा एडिशन है। इवन फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल के लिए भी अच्छी लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली C++ या C# उनके लिए सूटेबल है जो स्पेशली गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी C# या फिर जावा, गोलैंग जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सजेस्ट की जाती हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको पहले देखना है कि आप फ्रंट एंड या बैक एंड कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको चूज करना है। बैक एंड के लिए Node.js फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट पे वर्क करता है, या फिर एक और अच्छा ऑप्शन है Django जो पाइथन पर बेस्ड है। इसके बाद अगली स्टेप है बेसिक्स। कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वेरिएबल, इफ एल्स, लूप्स और अरेज जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं अपनी चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनको सीख लो तो आपके बेसिक्स ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो ही जाएंगे। और फाइनल स्टेप हमको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपको एकदम सिंपल और बेसिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, अपना नॉलेज अप्लाई करना है। बाद में आप अपनी चॉइस से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो जो आपने लैंग्वेज सीखी उससे कोई सिंपल या फन ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एटसेट्रा बना लो। आप उसको रेज्यूमे या प्रोफाइल में ऐड करके क्लाइंट या रिक्रूटर्स को ये शो कर पाओगे कि आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज है एंड आपने उसे यूज किया है पहले भी। तो इन स्टेप्स और स्मार्ट अप्रोच का यूज करके आप किसी भी कोडिंग रिलेटेड फील्ड में किसी भी टाइप का वर्क कर पाओगे और सक्सेसफुली हाई अर्निंग्स होंगी। आज हर कंपनी हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपने वेबसाइट एंड ऐप्स के लिए काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं। और इन सबको बिल्ड करने के लिए जरूरत होती है कोडिंग की, जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से की जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको पता है दुनिया में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें ग्राफिक डिजाइनर इंडस्ट्री 9th रैंक पर चल रही है। 4 लाख से ज्यादा बिजनेसेस ग्राफिक डिजाइन पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड में विजुअल कंटेंट ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रखता है और सबको याद रहता है। और इसका प्रूफ है कि लोग 3 दिन बाद भी 65% विजुअल कंटेंट जो उन्होंने देखा है वो याद रख पाते हैं। वही रिटन कंटेंट का 10% भी मुश्किल से कोई 3 दिन बाद याद रख सकता है। ह्यूमन ब्रेन्स विजुअल्स को ज्यादा जल्दी कैच करते हैं और मेमोरी में स्टोर रख पाते हैं। ये रीजन है कि डिजिटल मीडिया में ग्राफिक्स की इम्पोर्टेंस हाई है। 80% सोशल मीडिया मार्केटिंग आज ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से की जाती है। और इस सब इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आपको समझ आया ही होगा कि क्यों ग्राफिक डिजाइनर्स सडनली इतना हाई अर्न कर रहे हैं। मंथली लैक्स में अर्निंग हो ही जाती है उनकी, क्योंकि काम बहुत है, डिमांड भी बहुत है। अब बात आती है स्कोप की। कुछ लोगों का मानना है कि अब ग्राफिक डिजाइनर करियर डेड हो रहा है, इसमें स्कोप नहीं होने वाला है। तो देखो दोस्तों, आजकल बहुत एप्स और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ग्राफिक डिजाइन का काम बहुत इजी कर रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली चीप प्राइसेस में लोगोस एंड ग्राफिक डिजाइन करके दे रहे हैं। बट क्या ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर डेड है सच में? एक्चुअली नहीं दोस्तों। देखो, ये सही है कि ग्राफिक डिजाइन में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, बट हर एक स्कोप वाली फील्ड में ये सिचुएशन होगी ही। लेकिन जिनके पास एक्सीलेंट स्किल्स या वर्क होगा उनको इस कॉम्पिटिशन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात है कि अगर इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर्स और एप्स आ रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत क्या है? देखिए, ये एक क्रिएटिविटी बेस्ड फील्ड है। कंपनी सिर्फ एक रैंडम ग्राफिक या लेआउट के लिए डिजाइनर्स हायर नहीं करती। किसी भी डिजाइनर का काम होता है एक कंपनी के विजन, नीड्स, ऑडियंस, प्रोडक्ट्स और गोल्स, इन सब को समझकर उस कंपनी के लिए कुछ डिजाइन करना। और ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत बिजनेसेस को कंटिन्यूसली पड़ती रहती है, और वो वैरायटी ऑफ वर्क AI नहीं कर सकता एक डिजाइनर की तरह। सो अगर आपको ग्राफिक डिजाइन करियर को सक्सेसफुली बिल्ड करना है, आपको ये सब एस्पेक्ट समझ के ये देखना है कि अब फ्यूचर में इस फील्ड में क्या नीड्स हैं। अब एरा आ रहा है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स का। सो डिजिटल मीडिया का फोकस अब 3D डिजाइन की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होगा ताकि मेटावर्स में डिजाइन नीड्स पूरी हो पाए। मेटावर्स और वेब 3.0 के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आपको ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद फ्यूचरिस्टिक डिजाइन नॉलेज गेन करना चाहिए। इस तरह से आप फ्यूचर डिजाइन नीड्स को पूरा करने के लिए परफेक्ट हो जाओगे। सो ये करियर आपके लिए ना ही डेड हो सकेगा और ना आपको कॉम्पिटिशन बीट करने में डिफिकल्टी होगी। डिजिटल मार्केटिंग। फिजिकल वर्ल्ड में इतने सालों से नॉर्मल मार्केटिंग जितनी जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग अब उससे कई ऊपर पहुंच चुकी है। ना सिर्फ डिजिटली बट फिजिकल वर्ल्ड में भी अपने पसंद का कंटेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो भी हो, हर डिसीजंस में डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक पूरा समुंदर है। इसके अंदर कई अलग अलग स्किल्स आ जाती हैं
और इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंपनी या पर्सन के लिए लीड्स लाने का, सेल्स जनरेट करने का। अगर आप डिजिटली कोई भी मैसेज सही तरीके से पहुंचा पाते हो तभी लीड्स जनरेट होती हैं। और आज हर कोई इसमें एक्सपर्टीज पाना चाहता है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक पर्सन या कंपनी का डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रांग है तो इसका मतलब उनकी ग्रोथ होनी ही होनी है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ऑनलाइन पीआर, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ऐसी कई ब्रांचेस आती हैं। ये सब टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके लाखों कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एक्वायर किए जाते हैं पूरी दुनिया में से कहीं भी। अगर आप इनमें से किसी एक को भी अच्छे तरीके से सीख कर एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो आप बहुत कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक स्किल तो हर किसी को आने ही चाहिए, क्योंकि ये हर टाइप की जॉब में आपको हेल्प करेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में फुल टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग नहीं भी करना चाहते, फिर भी इससे रिलेटेड एक कोई स्किल आपका स्किल सेट और स्ट्रांग बनाती है। हमने डिजिटल मार्केटिंग और उसकी ब्रांचेस के बारे में स्क्रीन पर दिख रहे इन कुछ वीडियोस में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आप डिटेल में समझ पाओगे कि इनमें वर्क क्या होता है, स्कोप क्या है और अर्निंग्स कैसे जनरेट कर सकते हो। कुछ फ्री कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, वीडियो आज सबसे पॉपुलर टूल हो गया है अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का और उन्हें इन्फ्लुएंस करने का। कंपनीज पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा पैसा वीडियो मार्केटिंग में लगा रही है। आपने खुद देखा होगा कि यूट्यूब की हेल्प से कितने इन्फ्लुएंसर्स एंड नोन पर्सनालिटीज आगे आए हैं। यूट्यूबर्स आज हर बड़े ब्रांड्स एंड इवेंट्स का पार्ट है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। आप कई सारों के व्लॉग्स देख सकते हो बड़े बड़े ब्रांड इवेंट्स और इंटरनेशनल फेस्ट्स के। और उनकी इस डिमांड एंड सक्सेस दोनों का रीजन है वीडियोस की पॉपुलैरिटी एंड पावर। इसमें दोनों पार्टीज का बहुत फायदा है। यूट्यूबर को एक बहुत हाई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने को मिलता है और ब्रांड्स को उनकी ऑडियंस मिलती है, अल्टीमेटली कस्टमर्स। और यही रीजन है कि इंडियन स्टार्टअप्स को करेंटली सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में कोलैबोरेशंस की वजह से। इन प्रमोशन से बहुत हाई नंबर में और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन पाता है, क्योंकि वीडियो क्रिएटर अपनी ऑडियंस को अच्छे से जानता है और उस हिसाब से ब्रांड इंटीग्रेशन वीडियोस में कर पाता है। इन्हीं अमेजिंग प्रॉफिट्स की वजह से मामा अर्थ और ऐसे कई टॉप ब्रांड्स ने अपना वीडियो मार्केटिंग का बजट 10 times बढ़ाया है। सो डेफिनेटली वीडियोस एक बहुत बड़ा पार्ट है आज वर्ल्ड का, एंटरटेनमेंट और कमर्शियल दोनों तरह से। इसलिए वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत राइज पर है, क्योंकि उनके बिना इन वीडियोस का इम्पैक्ट ही नहीं हो सकता। एडिटर ही एक वीडियो को सही शेप देता है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा ला सकता है। सो वीडियो एडिटिंग से आप काफी अर्न कर सकते हो और इसको सीखना मुश्किल नहीं है। प्रीमियर प्रो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जा रहा है। प्रोफेशनल एडिटर्स इसे यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड जॉब कर पा रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ एडिटर्स आज की तारीख में एक 10 मिनट वीडियो को एडिट करने का 10,000 से 12,000 तक चार्ज कर रहे हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीखकर नॉर्मल वीडियो का आसानी से 1,500 से 2,000 अर्न कर सकते हो। डेली एक वीडियो एडिट करके भी 45,000 to 50,000 रुपीस अर्न किए जा सकते हैं। और बड़े या एडवांस्ड नीड्स के हिसाब से आप बहुत जल्दी हाई रेट्स पर भी काम कर पाओगे। ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से आप स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेकर बहुत जल्दी प्रैक्टिस एंड वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आप FC Fact का ये 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स वीडियो देख सकते हो और लर्निंग शुरू कर सकते हो। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए FC Fact का ये हाई पेइंग स्किल्स रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो। एनिमेशन। दोस्तों, एनिमेटेड कंटेंट का क्रेज बहुत बढ़ चुका है। फिल्म्स, एड्स, कार्टून्स, सोशल मीडिया कंटेंट, हर जगह एनिमेशन को वाइडली यूज किया जा रहा है। चाहे बच्चों के लिए डोरेमोन एंड मिकी माउस जैसे कार्टून्स हो या फिर एडवांस्ड ग्राफिक्स वाली मूवीज हो जैसे बाहुबली, हर जगह एनिमेशन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ऑडियंस के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा रहा है जो लार्जर देन रियल लाइफ लगे। एनिमेशन में कई सारे इमेजेस को फास्टली चलाया जाता है, जिससे किसी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दिखाई देता है। एनिमेशन की मदद से उन्हें एनर्जी और इमोशन भी दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो रियल है। एनिमेशन के कई डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन कंप्यूटर एनिमेशन सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है और डिमांड में भी है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX ये सब कंप्यूटर एनिमेशन के अंडर आते हैं। अर्निंग के लिए बहुत सारे डोर्स फ्यूचर में आपको खुले मिलेंगे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए एनिमेशन को बहुत प्रेफर किया जाता है। आप वेब डिजाइन, एप्स डिजाइन जैसे इंडस्ट्रीज में एनिमेशन वर्क कर सकते हैं। फिल्म एंड मीडिया मार्केटिंग में भी एनिमेशन के लिए काफी वर्क होता है। और आजकल कंपनीज की वेबसाइट्स, एड्स, इंस्टाग्राम रील्स और कई अलग अलग पर्पस के लिए एनिमेशन की हेल्प ली जाती है। तो इस तरह हर तरह की इंडस्ट्री में एनिमेशन जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं। एनिमेशन सीखने के लिए आपको एनिमेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना होगा। इसमें ऑटोडेस्क, माया, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर, अडोब एनिमेट जैसे सॉफ्टवेयर पॉपुलर हैं। आपको एनिमेशन में आगे जाने के लिए क्रिएटिव माइंड की जरूरत होगी और आइडियाज को विजुअलाइज करना आना चाहिए।
ये सब स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। देखो, एक बार सॉफ्टवेयर आपने सीख ली, उसके बाद आपको एनिमेशन से रिलेटेड वर्क्स देखने हैं, सिंपल एनिमेशन बनाने हैं, हर बार कुछ यूनिक एलिमेंट अपनी तरफ से लाने की कोशिश करनी है। ये आपके माइंड को और ओपन अप करेगा और आपके आइडियाज इम्प्रूव होते जाएंगे। एनिमेशन में कंपलसरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। जॉब्स के लिए ज्यादातर जगह पर आपको 12th स्टैंडर्ड पास की रिक्वायरमेंट मिलेगी। वैसे तो आपको डिप्लोमा, बीए एंड बीएससी डिग्रीज कई जगह मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों कोई डिग्री या डिप्लोमा होना कंपलसरी नहीं है। आपको सारी स्किल्स और टूल्स आने चाहिए और ढेर सारी प्रैक्टिस। आप सिर्फ एक कोर्स कर सकते हो फुली इन्फॉर्मेटिव, जिसमें आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके सब कुछ सीख पाओ। आपके पास सॉफ्टवेयर एंड स्किल्स का नॉलेज अगर अच्छे से है तो आपको वर्क मिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक अच्छा सा कोर्स ढूंढो जहां से आपको सब नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज मिल जाए एक ही जगह पर। स्किल्सिया का 2D एनिमेशन कोर्स भी कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है और हमें बहुत अमेजिंग फीडबैक मिला है। आप में से कई लोगों ने इस कोर्स को किया और रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव मिला। ये फुल्ली डिटेल्ड कोर्स है, बेसिक टू एडवांस्ड सभी कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने मिलेंगे। इसके अलावा आपको खुद करने के लिए प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोफाइल दोनों अच्छी हो पाए। 2D एनिमेशन अगर आपको हिंदी में सीखना है, एक ही जगह से सारा कुछ इजीली आप इस कोर्स में सीख पाओगे। कोर्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना दोस्तों। और आप में से जिन्होंने हमारा 2D एनिमेशन कोर्स कर लिया है, आपके लिए भी एक गुड न्यूज है। बहुत जल्द हम स्किल्स या 3D एनिमेशन कोर्स भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सो एनिमेशन लवर्स, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, ये थी वो 5 टॉप स्किल्स जो 2022 में आपको सीखनी चाहिए। आपको अगर किसी एक स्किल की कोई ब्रांच पर एक फुल्ली डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन स्किल्स से रिलेटेड फ्री कोर्सेज एंड वेबिनार्स की अपडेट्स के लिए स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करके उनको भी हाई अर्निंग स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट जरूर करिए दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।